हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चेहरे को कालेपन को हटा के, स्पॉट्स, पिंपल्स, पिगमेंटेशन को दूर करके, चेहरे को साफ और प्योरीफाई करने के लिए एक ज़बरदस्त आसान उपाय आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो आप एंड तक देना ताकि आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ चैनल को, और साइड पर बेल आइकॉन एक रेड कलर घंटी रहता है उसको दबाने से आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिस ना करते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब चेहरे को क्रिस्टल क्लियर स्पॉटलेस बनाने के लिए हमें लेना है टमाटर। टमाटर को हमें आधा कट करना है। अभी सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है। क्लीन बाउल में हम फ्रेशली आधा काटा हुआ टमाटर को लेके एक टमाटर का पल्प ऐड करना चाहिए। अगर आप चाहिए तो एक टमाटर को ग्रेड करके इसका पल्प निकाल सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल टोमेटो को कट करके इसका पल्प निकाल रही हूँ, क्योंकि टोमेटो में काफ़ी सारे एंटी विटामिन ए, विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट्स रहता है। ये अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन का सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है, स्किन का टेक्सचर को बढ़ाता है। टोमेटो हर स्किन को सूट होते हैं, और इससे अपना स्किन का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा, स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर होगा। और इसमें हमें ऐड करना है शहद। शहद में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है, ये अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन को बढ़ा देती हैं और स्किन का काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हटा देती हैं। इसमें मैंने एक चम्मच शहद इस्तेमाल कर रही हूँ। शहद अपना स्किन को ब्राइटनिंग करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, स्किन का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है शहद, इसलिए मैंने शहद इस्तेमाल किया हूँ। इस शहद से अपना स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। अगर आप पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम है तो शहद का इस्तेमाल से वो भी दूर होगा, और शहद से अपना स्किन का टेक्सचर जो है वो भी अच्छा सा रहता है, तो इसलिए मैंने शहद को इस्तेमाल किया हूँ। टोमेटो और शहद अपना स्किन को प्रॉब्लम्स को हटाता है और स्किन का टेक्सचर को भी दूर करता है, इसलिए मैंने शहद इस्तेमाल किया हूँ। और इसमें हमें ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप्स रोज़ वाटर। रोज़ वाटर, गुलाब जल, ये अपना स्किन को नेचुरली टोनिंग करता है और स्किन का प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, इसलिए मैंने रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। याद रखिए, इसमें एक चम्मच यानी रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है, ज़्यादा रोज़ वाटर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रोज़ वाटर अपना स्किन को नेचुरली टोनिंग करता है। स्किन को प्योरीफाई करने के लिए कंपलसरी रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है। इससे अपना स्किन का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव होता है, और स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ाएगा, और काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर होता है। अभी ये मिक्सअप तैयार हो गया है, इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊंगी। अभी हर रोज़ सुबह उठते ही इसको एक कॉटन पैड की मदद से इस्तेमाल करना है। हर रोज़ सुबह उठते ही आप इसको चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के पहले चेहरे को नीटली रख लेना है। चेहरे को नीटली साबुन यानी कि फेस वॉश से नीटली वॉश करना है। इसके बाद आप किसी भी कॉटन को लेके एक कॉटन को बिल्कुल इस तरह इस पैक में डिप करना है। बिल्कुल इस तरह इस पैक में कॉटन पैड को इस तरह डिप करना है। डिप करके इसको आप चेहरे को, ऑल ओवर चेहरे को इसको अप्लाई करना है एक कॉटन पैड की मदद से। क्योंकि अप्लाई करना, याद रखिए, रब मत कीजिए, खाली अप्लाई करना है, क्योंकि ऐसा करने से इसका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है इम्प्रूव होता है। ऐसा ऑल ओवर फेस और गले के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसा करने से अपने चेहरे के ऊपर किसी तरह निशान को दूर करता है, क्योंकि इसमें टोमेटो, हनी और रोज़ वाटर है, एक नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होता। इसे इस तरह आप ऑल ओवर फेस और गले के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करके सूखने तक ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा तब अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो के वॉश कर लेना है। ऐसा इसको हर रोज़ अच्छे रिजल्ट के लिए सुबह और शाम को, याद रखिए, सुबह और शाम को 2 बार इस्तेमाल करना है। सुबह और शाम को 2 बार इस्तेमाल से चेहरे के ऊपर जो है टैन डस्ट दूर होगा और ऑयलीनेस को दूर करता है। मेन चीज़, काफ़ी सारे लोग ऑयली स्किन का प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन इसलिए होता है चेहरे के ऊपर ज़्यादा सन, ज़्यादा धूप में घूमने की वजह से चेहरा ऑयली होता है, और ऑयली स्किन के लिए उसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हर स्किन टाइप से ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, जो ये चेहरे के अंदर जो एक्सेस ऑयल रहता है, वेस्ट ऑयल, उसको रिमूव करता है, चेहरे को साफ रखते हैं, क्योंकि चेहरा ऑयली होने की वजह से पिंपल्स होता है और पोर्स भी ओपन होने लगता है। ये अपने चेहरे के ऊपर पोर्स को भी क्लॉक डाउन करता है, चेहरे को साफ रख देता है, चेहरे के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। ऑल इन वन है, और ये हर स्किन टाइप लोग को सूट होते हैं, और इसको मेल, फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अपना चेहरा जो है नेचुरली क्लीन होता है,
क्लेंजिंग जैसा काम करता है इन उसका, और इसे आप हर रोज 2 बार इस्तेमाल से चेहरे का जो है पिंपल्स निशान मिटा देते हैं और चेहरे को भी प्यूरीफाई और गोरा बना देती है। इसको आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करने से आप विजुअल डिफरेंस देख पाते हो। आप चाहिए तो इसको लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो, कम से कम इसको 1 मंथ तक भी कंटिन्यू करने से आप चेहरे के ऊपर विजिबल डिफरेंस देख सकते हो। ये 100% सेफ है, इससे साइड इफेक्ट नुकसान कुछ नहीं है, इससे अपना चेहरा साफ और प्योरीफाई होता है। सो ये था प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को हर रोज यानी कि जब टाइम मिले तब इस पैक को इस तरह आप अप्लाई करने से चेहरे के ऊपर पिंपल्स डार्क स्पॉट्स दूर होंगे और साथ ही चेहरा भी क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग बन जाएगा। सो ये था आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसके आंसर दूंगी। फिर मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।